हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस अबाउट दी कट ऑफ्स फॉर दिस ईयर आईएफटी एग्जाम। पहले तो सेक्शन में थोड़े चेंजेस थे, चार ही सेक्शन थे इस बार। वीआरसी डीआईएलआर कंबाइन किया था, वीआरसी मतलब वी और आरसी कंबाइन करके एक सेक्शन, डीआई और एलआर कंबाइन करके एक सेक्शन। पहली बार पेपर ऑनलाइन मोड पे हुआ था और यूआई कोई बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं था, इंटरफेस जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा स्टूडेंट्स को। बाकी क्यूए डीएलआर वीआरसी इन तीन सेक्शन में तीन तीन मार्क वाले क्वेश्चंस थे, यहाँ 25 यहाँ 30 यहाँ 35, और जीके में 1.5 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चंस थे। सो इन ऑल यू हैड 110 क्वेश्चंस एंड अ टोटल ऑफ 300 मार्क्स। यूजुअली 100 मार्क्स का रहता था, पहली बार 300 मार्क्स का हुआ है। अब बात सेक्शनल की करते हैं कट ऑफ्स के लिए। तो पहले तो कौन सेक्शन 25 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस लेंथी थे, यू पिछले साल से थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे भी थे, तो वी एक्सपेक्ट द कट ऑफ टू बी समवेयर अराउंड 12 टू 15 मार्क्स, मतलब 4 या 5 क्वेश्चंस आप बना सकते हो कट ऑफ क्लियर करने के लिए, ऐसा हम मानते हैं। डीआईएलआर में डीआई कैलकुलेशन इंटेंसिव था और कैलकुलेटर नहीं रहता है एफटी में, एलआर लेकिन डुएबल था, कैट के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली बहुत इजी था, तो दो या तीन पजल के अराउंड आपको बिल्कुल बनाने देने चाहिए थे। सो वी एक्सपेक्ट यू टू गेट एटलीस्ट सॉल्व 7-8 मिनिमम क्वेश्चंस, दैट मींस अ कट ऑफ टू बी समवेयर बिटवीन 21 टू 24 मार्क्स फॉर डीआईएलआर कंबाइंड सेक्शन। वीआरसी की बात करेंगे तो वीआरसी चार सेक्शन में सबसे इजी लगा सारे स्टूडेंट्स को और स्कोरिंग एरिया भी लगा, लेकिन और ये हमेशा होता है एफटी में, एक सेक्शन यूजुअली बाकी सेक्शन से इजी रखा जाता है, लेकिन उसमें भी कट ऑफ्स कोई बहुत ज्यादा नहीं रहते हमेशा, आप अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे एफटी का। तो हम इस 35 क्वेश्चन तीन तीन मार्क वाले, तो वैसे तो 105 मार्क्स का सेक्शन है लेकिन थोड़ा एक्यूरेसी का प्रॉब्लम इसमें होता है, तो वी एक्सपेक्ट द कट ऑफ टू बी समवेयर बिटवीन 21 टू 24 मार्क्स फॉर वीआरसी ऑल्सो। हालांकि आप इसमें इस सेक्शन में इससे थोड़ा ज्यादा भी स्कोर कर सकते हैं इजिली। जीके में यूजुअली एक दो तीन क्वेश्चंस का कट ऑफ होता है, उससे ज्यादा का वैसे भी नहीं रहता, तो वी एक्सपेक्ट द कट ऑफ टू बी समवेयर अराउंड 4 मार्क्स, और जीके थोड़ा पिछली बार से तो इजी था लेकिन बहुत ज्यादा इजी इस बार भी नहीं था। ओवरऑल कट ऑफ की बात करेंगे तो वैसे तो ये एडिशन कम होती है, लेकिन इस एडिशन का और ओवरऑल कट ऑफ का कभी भी लेना देना नहीं रहा है आईएफटी में, तो टोटल कट ऑफ वी एक्सपेक्ट फॉर जनरल कैटेगरी टू बी समवेयर अराउंड 115 मार्क्स, एक दो मार्क ऊपर या नीचे आप समझ के चल सकते हैं। एक दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 20 मार्क्स लेस देन दिस, 20-25 मार्क्स लेस देन दिस, एंड एससी एसटी के लिए अनदर 20-25 मार्क्स लेस देन दैट आप पकड़ के चल सकते हो। ठीक है, तो हमारा पिछला रिकॉर्ड भी आईएफटी में अच्छा रहा है, 2018-17 में भी हमारे कट ऑफ जो है वो राइट ऑन मार्क थे, तो वी होप कि दिस ईयर भी रहे। बाकी आपको अगली एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, कीप प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड रिमेनिंग एग्जाम, डू सब्सक्राइब टू चैनल इफ यू आर नॉट येट सब्सक्राइब, थैंक यू।